अगर किसी पेरेंट ने अपनी सब्सिडियरी को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया तो एक्चुअल लोन अमाउंट मान लीजिए 10 लाख रुपीज का है, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकालना पड़ेगा। पेरेंट कंपनी सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकालेगा बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो भी सब्सिडियरी कंपनी से उसको लोन रीपेमेंट के वक्त इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का धीरे धीरे करके मिलेगा उसको करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। से द प्रेजेंट वैल्यू इज 8 लाख, एक्चुअल लोन अमाउंट और फेयर वैल्यू ऑफ द लोन को कंपेयर करके हमें डिफरेंस पता करना पड़ेगा एंड दैट इज कमिंग 2 लाख ऑफ रुपीज। नाउ एज पर इंड एस 109 द लोन असेट विल बी रिकॉर्डेड एट रुपीज 8 लाख इन द बुक्स ऑफ द पेरेंट and extra payment of rupees 2 lakh is nothing but investment in subsidiaries by the parent. Means the journal entry will be loan asset account debit 8, investment in subsidiary debit 2, to bank 10 lakhs. Abo loan asset jo hai, that will be recorded as per 109 using amortized cost. Loan asset जो 8 लाख रुपए का है एंड द रिमेनिंग 2 लाख रुपीज विच इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी उसमें होल्डिंग कंपनी के पास ऑप्शन है कि द होल्डिंग कंपनी कैन आइदर ऑप्ट 109 एंड मेजर द इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यूज और इट कैन ऑप्ट टू वैल्यू दैट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, मेजर दैट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। तो उस 2 लाख को कंपनी 2 लाख पे भी छोड़ सकती है। ज्यादातर कंपनियां सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे मेजर करके छोड़ देती हैं। तो दैट 2 लाख विल प्रेफरेबली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। थैंक यू।